आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी थी। कांग्रेस वाले कह रहे थे मीडिया में कि हम बिना शर्त आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देना चाहते हैं। बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम लोग दिल्ली की जनता के हित के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बने, उन्हें हम मुद्दों पे समर्थन देना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देना चाहते हैं। तो हमें लगा ये तो अच्छा अवसर है, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी मुद्दों पे मिलके अगर सरकार बनाती है तो ये एक ऐतिहासिक कदम होगा। तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी। दिल्ली की जनता के लगभग 18 सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, उनसे उन मुद्दों पर उनकी राय मांगी कि इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है। आश्चर्य की बात है कि बीजेपी वालों ने उस चिट्ठी का जवाब देना तक ठीक नहीं समझा। उन्होंने मीडिया में जो सुनने में आया है कि उन्होंने कहा है कि हम इस चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे, मुझे लगता है जनतंत्र में कम से कम चिट्ठियों का जवाब तो देना ही चाहिए। अगर किसी की चिट्ठी आई है तो उसका जवाब तो देना ही चाहिए। राजनाथ सिंह जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत आम लोग हैं, बहुत मामूली लोग हैं। अगर राजनाथ सिंह जी को लगता था कि हमारी चिट्ठी का जवाब देना उनके स्टेचर से कम की बात है तो वो अपने दफ्तर में किसी को बोल देते, वो जवाब दे देता। जैसे सोनिया गांधी जी ने खुद जवाब नहीं दिया, शकील अहमद जी को कहा जवाब देने के लिए। कांग्रेस का जवाब आया है, कांग्रेस ने कहा है कि 16 मुद्दे प्रशासनिक हैं। कांग्रेस ने अभी मुद्दों के बारे में नहीं कहा कि वो इनका समर्थन करते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे उन्होंने कहा है कि 16 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है और कांग्रेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और 2 मुद्दे ऐसे हैं जिन पे वो समर्थन करते हैं। बार बार मीडिया में ये प्रचार किया जा रहा है, ये दोनों पार्टियां भी इकट्ठी हो गई हैं, दोनों पार्टियां एक साथ आ गई हैं, बार बार मीडिया में प्रचार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी से भाग रही है, आम आदमी पार्टी सरकार नहीं चला सकती, ये आम आदमी पार्टी वाले ने जो मैनिफेस्टो में लिखा है वो सारी बेबुनियाद बातें हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने जितनी जिम्मेदारी और जितने जनता के साथ कंसल्टेशन करके मैनिफेस्टो बनाया है, आज तक भारत के इतिहास में इस किस्म की एक्सरसाइज नहीं की गई है। तो बहुत जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया है और हम बखूबी उस मैनिफेस्टो को लागू कर सकते हैं। दूसरा, यही नेता अहंकार में कहा करते थे कि चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। जिस दिन इस देश का आम आदमी खड़ा हो गया, इस देश के आम आदमियों ने बड़े बड़े पट्टे पलट दिए, और 8 दिसंबर को यही देखा गया कि इस देश के आम आदमी ने किस तरह से बड़े बड़े पट्टे पलटे हैं। तो इस देश के आम आदमी को चुनौती मत दो, यही आम आदमी इस देश का रोटी बनाता है, यही आम आदमी कपड़ा बनाता है, यही आम आदमी मकान भी बनाता है, ये नेता जाके नहीं बनाते। तो ये सरकार चलानी कोई इतनी कठिन काम नहीं है, ये आम आदमी सरकार भी चला के देख लेगा जिस दिन सरकार चलाने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं हम लोगों ने आज सुबह पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी मीटिंग हुई और अभी हमारे सारे विधायकों की भी मीटिंग हुई, और ये तय किया गया है कि आम आदमी पार्टी कुछ चंद लोगों की पार्टी नहीं है, ये इस देश की जनता की पार्टी है, दिल्ली की जनता की पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी ने तय किया है, जो पहले से अनाउंस किया था, कि आज से शुरू करके संडे तक हम लोग जनता की राय जानेंगे। जनता की राय जानने के तरह तरह से तरीके हैं जो मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन जनता को मेरी तरफ से पूरी दिल्ली की जनता को ये चिट्ठी लिखी जा रही है। हम ये चिट्ठी लिख रहे हैं, इस चिट्ठी की लगभग 25 लाख कॉपीज बनाई जा रही हैं और ये पूरे दिल्ली के अंदर बांटी जाएंगी। इस चिट्ठी में हम लिख रहे हैं, मेरे प्रिय दिल्लीवासी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को और झाड़ू को 28 सीटें मिली हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये आम आदमी की जीत है, सच्चाई और ईमानदारी की जीत है।
लेकिन दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 सीट चाहिए, 8 सीट कम रह गई। दिल्ली में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। आम आदमी की स्वच्छ राजनीति से डर कर ही पूर्व में गोवा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, यूपी में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाती रही भाजपा। सबसे बड़े दल होने के बाद भी सरकार बनाने की अपनी जिम्मेदारी से भाग गई। इस दौरान कांग्रेस ने कहना शुरू किया कि हम आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं। उधर बीजेपी वालों ने कहना शुरू कर दिया कि हम दिल्ली की जनता के हित में चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए और हम उन्हें मुद्दों पर समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हमने तो इन पार्टियों से समर्थन मांगा ही नहीं था, खुद ही समर्थन देने की बात कहने लगे और फ्री में समर्थन देने की बात कहने लगे। हमने तो सुना था जी कि एक एक एमएलए को खरीदने के 10-10 करोड़ रुपए लगते हैं। पहले हमें ये सोचना चाहिए कि आम आदमी पार्टी क्यों बनी। आम आदमी पार्टी का जन्म ही बीजेपी और कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टियों की भ्रष्ट, आपराधिक और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ हुआ था। आम आदमी पार्टी सत्ता भोगने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए बनी है। जब इन दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार की वजह से आम आदमी कराह उठा तो इस देश के लोगों ने मिलकर आम आदमी पार्टी बना ली। ऐसे में बीजेपी या कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार हम कैसे बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। आम आदमी पार्टी को इन पार्टियों से बाहर से मिल रहे समर्थन पर क्या हर्ज है? जितने दिन ये पार्टियां सरकार चलाने देती हैं सरकार चलाओ, जिस दिन ये पार्टियां सरकार गिरा दें तो जनता के बीच जाके दोबारा चुनाव लड़ लेना, तब जनता इन पार्टियों को सबक सिखाएगी। आज बाकी सभी पार्टियां जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके सत्ता हासिल करने में लगी हैं, लेकिन हम राजनीति में सत्ता हासिल करने नहीं आए। हम आम जनता हैं, भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त हैं। दिल्ली की आम जनता के कुछ मुद्दे हैं जिससे जनता बहुत दुखी है। इसलिए हमने सोचा कि अगर दिल्ली में सरकार बनानी भी पड़े तो जनता के मुद्दों पर सभी पार्टियों में आम सहमति बनाकर सरकार बनाई जाए। इसलिए हमने दोनों पार्टियों को चिट्ठी लिखी, इन दोनों पार्टियों को ऐसे 18 मुद्दे भेजे जिनसे दिल्ली की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। हमने इन दोनों पार्टियों से पूछा कि यदि आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है तो क्या बीजेपी और कांग्रेस इन मुद्दों पर सहयोग करेंगे। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर सरकार बनाने की पेशकश की है। हमारे इस पत्र का बीजेपी वालों ने जवाब देने से मना कर दिया, जबकि बीजेपी पहले कह रही थी कि हम दिल्ली वालों के हित में आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे, मुद्दों पर समर्थन देंगे। इससे साफ जाहिर हो गया कि बीजेपी केवल गंदी राजनीति खेल रही है, ना उनके मन में दिल्ली वालों का हित है और ना मुद्दों पर समर्थन देने की इच्छा। कांग्रेस का जवाब आया है। उनका कहना है सरकार बनाने के बाद इनमें से 16 मुद्दों पर आपको हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इन मुद्दों पर निर्णय ले सकेंगे, बाकी 2 मुद्दों पर हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। सारा देश जानता है कि कांग्रेस कितनी शातिर पार्टी है। जब इनका मन करेगा तो मुझे खांसी आने पर भी कहेंगे और सरकार गिरा देंगे। और जिस पार्टी ने आज पूरे देश को लूट लिया और जिस पार्टी का हम घोर विरोध करते आए, उस पार्टी का समर्थन लेकर कैसे सरकार बनाएं? सबको याद है कि पहले भी इतिहास में कांग्रेस ने कैसे चौधरी चरण सिंह जी और श्री चंद्रशेखर की राज सरकार राजनीतिक चाल चलकर गिरा दी थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस अभी कोई बदमाशी नहीं करेगी, अभी फिलहाल कांग्रेस की मजबूरी है, कम से कम 6 महीने तक तो कांग्रेस कोई बदमाशी नहीं करेगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 6 महीने की सरकार बना लेनी चाहिए और दिल्ली के हित के मुद्दों को लागू करना चाहिए। हमारे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया है जी। कई साथियों का मानना है कि हमें कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से किसी पार्टी का समर्थन लेना ही नहीं चाहिए और सीधे दिल्ली में दोबारा चुनाव होने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हमें दिल्ली में सरकार बनानी चाहिए और कुछ करके दिखाना चाहिए। अब हम आपसे जानना चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए। हम बाकी दलों की तरह बंद कमरे में निर्णय नहीं लेना चाहते, हम ये प्रश्न जनता के सामने रख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ चंद लोगों की पार्टी नहीं है बल्कि इस देश के आम लोगों की पार्टी है। जो जनता कहेगी हम वही करेंगे। इस प्रक्रिया में आप सबकी राय ही सर्वोच्च होगी। आप अपनी राय निम्नलिखित तरीके से भेज सकते हैं।
आप अपनी राय हमें SMS से भेज सकते हैं। यदि आपका जवाब हाँ है तो यस, और नहीं है तो नो लिखकर 0880611035 0880611035 पर भेज दें। हिंदी में भी बता देता हूँ, 0880611035। इस पे आप SMS भी कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन करके भी IVR है, आप अपनी राय बता सकते हैं। या आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.aamaadmiparty.org या हमारे फेसबुक पेज पे आम आदमी पार्टी पे जाके अपनी वोट दे सकते हैं। संडे तक हम इन तरीकों से भी करेंगे, और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं 70 विधानसभाओं में, पूरी दिल्ली में हर म्यूनिसिपल वार्ड में एक एक जनसभा की जाएगी, और जनसभा में ये चिट्ठी पढ़ के सुनाई जाएगी और जनता से उनकी राय पूछी जाएगी। ये सारी प्रक्रिया हम इस संडे को शाम तक कर लेंगे, और जो जनता की राय होगी वो जनता की राय हम सोमवार को सबको बता देंगे सारा कंपाइल करके, और जो जनता कहेगी हम सोमवार को वही काम करेंगे। नहीं, सारी 70 में, सभी 70 में सोमवार को जो जवाब आएगा, अगर तो जनता जो भी जवाब आएगा उसका हम वो करके और राज्यपाल जी को चिट्ठी लेंगे। जनता के नहीं, केवल सोशल नेटवर्किंग नहीं है, आप देख रहे हैं हम जनता में जाके पर्चे बांट रहे हैं, 25 लाख पर्चे दिल्ली में बांट रहे हैं, और उसके बाद जनसभाएं 270 जनसभाएं होंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी आपकी सरकार बन सकती है अगर नंबर आ जाते हैं। अभी आपने अभी कहा कि कुछ लोग कह रहे थे सरकार बनानी चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, आपका खुद का मत क्या था? मेरा मत जरूरी नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की तो पार्टी है, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। हम चाहते हैं कि सारी पार्टियां इस किस्म की नौटंकी शुरू करें, इसी को जनता, इसी नौटंकी को जनता को जब नतीजे आए थे, आपका क्लियर लाइन था कि ये दो पार्टियां जो कांग्रेस और बीजेपी ऐसी पार्टी से हम किसी भी कंडीशंस में समर्थन नहीं लेंगे, आप जनमत संघर्ष तरीके से माना जाए, आपसे सहमत है, हम बार बार ये कहते रहे और अभी भी इसमें यही लिखा कि ना समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा कहती है कि वही करेंगे जो जनता कहेगी। कितने जनता के बीच से क्या उन पे? जनता के बीच से काफी जगह से आवाज आ रही है कि भाई जिम्मेदारी तो नहीं भाग रहे, हम सरकार क्यों नहीं बना रहे, अब कौन कितने लोग चाहते हैं कितने नहीं चाहते जनता से पूछ लेते हैं। लोगों का जो सर्वे है वो आपका सामने आ रहा है कि अस्सी फीसदी लोग चाहते हैं तो बनाएंगे, आप सरकार बनाने, अगर जनता कहेगी तो सरकार बनाएंगे, हम भाग नहीं रहे अपनी जिम्मेदारी से। वही मुद्दा तो फिर रहा कि कांग्रेस आपको आउटसाइड सपोर्ट कर रही है, तो सपोर्ट करती नहीं भाई, कांग्रेस का सपोर्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, क्यों कर रही है सपोर्ट, तो जनता के सामने तो सब कुछ है, जो जनता से छह महीने की सरकार इसमें मैं खुद हूँ। देखिए जैसा हमने कहा, कांग्रेस किसी भी मुद्दे पे सरकार गिराएगी, वो तो गिराएगी, उनके तो खून में है, वो तो आज तक यही करते आए, वो अपने सगों के नहीं हुए, हमारे क्या होंगे, देश की जनता के क्या होंगे, तो मेरे को खांसी आ जाएगी, कहेंगे हम तो अरविंद तो खांसता बहुत है, उसकी से सरकार गिराओ, तो हमारा जन कई लोगों का, हमने सारे मत इसमें लिख दिए ईमानदारी से, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है भाई 6 महीने तक तो ये शायद बना के मजबूरी है, इनकी लोकसभा के पहले कुछ कर दिया तो लोकसभा की 2-4 सीट तो कम हो जाएंगी इनकी, तो लोकसभा के पहले तो कुछ बदमाशी नहीं करेंगे 6 महीने तक, इन 6 महीने में कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, और अगर 2-4 भी बड़े बड़े काम दिल्ली में करती है उसके बाद गिरा देंगे लोग, जनता के बीच में जाएंगे,
कुछ लोगों का ये कहना है कि बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए इनके साथ मिलकर, बिल्कुल अलग रहना चाहिए। जनता क्या जनता तो दूसरा भी तो कैसा कोई परसेंटेज नहीं है, एक सेंस मिलेगा। देखिए चारों तरफ से आप सर्वे करेंगे आप लोग।